दिस इज आई लगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो मैं नेचुरली अपने हेयर सेट करके दिखाऊंगा आपको। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट मुझे लग रहा है आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो डूड, जल्दी सब्सक्राइब कर दो और पास में दिया बेल आइकन भी प्रेस कर दो। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक्चुअली आपको सेट करके दिखाऊंगा मैं अपने हेयर्स कैसे सेट करता हूँ। तो मैं कोई भी हेयर वैक्स वगैरह या कोई हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास सब पड़ा है, हेयर ड्रायर भी पड़ा है, हेयर वैक्स भी पड़ी है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे को हेयर वैक्स यूज़ किए 1 ईयर हो गया है। तो मैंने लास्ट उस पर वीडियो की थी तभी मैंने हेयर वैक्स यूज़ की थी, उसके बाद एक दो बार की होगी जब भी पार्टी वगैरह में गया हूँगा तो कभी मैंने यूज़ की होगी, बट उसके बाद मैंने कभी यूज़ नहीं की हेयर वैक्स और ना ही हेयर ड्रायर मैं यूज़ कर रहा। 5 से 7 मंथ हो गए तो मैंने हेयर ड्रायर भी यूज़ नहीं किया। तो उससे पहले भी मैं रेगुलर कभी हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करता था। तो अभी मैं अपने हेयर नेचुरली आपको सेट करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर ऑयली हो रहे हैं, तो मेरी स्कैल्प ऑयली है, तो ऑयली टाइप की मेरी स्कैल्प है, तो मेरे हेयर्स भी ऑयली हो जाते हैं अगर मैं इनको शैम्पू ना करूँ। तो कुछ लोगों को होता है शैम्पू करने के बाद हमारे हेयर सेट नहीं होते, तो अभी मैं शैम्पू करके ही आपको अपने हेयर सेट करके दिखाऊंगा। अभी मैं बाल लेने जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सेट करके दिखा दूंगा। तो मैं कोई भी हेयर वैक्स वगैरह या हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करता, मुझे 1 ईयर हो गया तो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो की थी अर्बन गबरू की वैक्स पे, तुम देख सकते हो। तो ये वैक्स वैसी की वैसी पड़ी है, तो ये देख सकते हो फंगल्स वगैरह इसमें आ गई है, तो ये ख़राब भी हो गया। तो तुम देख सकते हो ये कम्प्लीटली वैसी ही पड़ी है, तो मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। 2 या 3 टाइम्स मैंने यूज़ किया था या मेरे भाई वगैरह ने इसको यूज़ किया था, तो मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। बिकॉज मैं कभी भी हेयर वैक्स वगैरह यूज़ नहीं करता, इससे हमारे हेयर्स ख़राब होने लग जाते हैं, या हेयर स्प्रे वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता। अगर पार्टी वगैरह में जाना हो तब मैं यूज़ कर लेता हूँ हेयर वैक्स या हेयर ड्रायर, वैसे मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता। अगर कोई फोटोशूट वगैरह पे जाना हो तब भी आप यूज़ कर सकते हो हेयर वैक्स या हेयर ड्रायर। तो वैसे आपको नेचुरली हेयर वैक्स या हेयर ड्रायर यूज़ कम से कम ही करना चाहिए, तो मैं अभी कम ही हेयर ड्रायर यूज़ करता हूँ। तो मैं अभी नेचुरली अपने हेयर सेट करके दिखा दूंगा। तो बहुत से लोगों को ये होता है कि हम शैम्पू करने के बाद हमारे हेयर स्मूथ हो जाएंगे, सेट नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने हेयर के हिसाब से शैम्पू लेना चाहिए, जैसे आप अपने फेस के हिसाब से अपना फेस वॉश चूज़ करते हो तो वैसे ही शैम्पू चूज़ करना चाहिए। आपके हेयर पहले से ही ऑयली है तो आप कोई स्मूथनिंग वाला शैम्पू ले लोगे तो आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, जिसके कारण हेयर सेट नहीं होंगे। तो आपको ऐसा शैम्पू लेना है जो आपके हेयर्स को थोड़ा ड्राई कर दे, जिसके कारण आपके हेयर अच्छे से सेट हो जाएंगे। अगर किसी की स्कैल्प ऑयली नहीं ड्राई है तो ड्राई स्कैल्प वाले ऐसा शैम्पू लो जो आपके स्कैल्प को नरिश भी पहुंचाए, जिसके कारण आपके हेयर्स भी स्मूथ हो, तो उसके कारण आपके हेयर अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो अभी मैं अपने हेयर सेट करके दिखा दूंगा आपको। तो मैंने अभी बाथ लेना है, तो मैं नहाने जा रहा हूँ अभी, तो उसके बाद मैं अपने हेयर सेट करके दिखा दूंगा। तो मैंने शैम्पू यूज़ करना है, तो आप देख सकते हो ऑयली है मेरे हेयर काफ़ी हो रहे हैं, तो मैंने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगा रखा है, तुम देख सकते हो, तो कोई भी ऑयल नहीं लगा, तो ये नेचुरली ऑयली हो जाते हैं। कुछ सीबम प्रोडक्शन काफ़ी होता है मेरी स्कैल्प वगैरह में, तो उसके कारण ऑयली हो जाते हैं मेरे हेयर्स, तो मुझे शैम्पू करना पड़ता है 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के। सो अभी मैं अपने हेयर वॉश करके आता हूँ, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हेयर सेट करने हैं। सो मैंने हेयर वॉश कर लिया, आप देख सकते हो। तो अब इनको बिल्कुल हल्का सा ड्राई करना है, तो बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं करना है, हल्का सा ड्राई करना है। तो हल्के हाथों से हेयर ड्रायर किया करो जब भी तुम करो, तो ऐसे ज़्यादा बिल्कुल ऐसे रगड़ने मत लग जाए करो, उसके कारण तुम्हें हेयर फॉल भी हो सकता है, तो रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहती उसके कारण। सो तुम देख सकते हो मैंने हल्के से ड्राई कर लिए हेयर, तब मैं इनको सेट करूँगा। तो तुम देख सकते हो मैं इसको हल्के से ऐसे कर रहा हूँ, झाड़ रहा हूँ, तो कुछ लोग इस वजह से करने लग जाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब हेयर सेट करने के लिए आपको एक कॉम्ब चाहिए, तो ये खुला है कॉम्ब, तुम देख सकते हो इसके काफ़ी गैप है इस कॉम्ब में, तो इस वजह का कॉम्ब तुम्हारे हेयर फॉल भी नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि
नाते ही हेयर कॉम्ब नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से तुम देख सकते हो हल्के ड्राई करके इस कॉम्ब से तुम कर सकते हो सेट। और एक हेयर बैंड चाहिए तो ये आपको 5 या 10 रुपीज़ का मिल जाएगा। सो अभी हेयर सेट कर लेने हैं। सो जिस वजह से आप अपने हेयर रखते हो उस वजह से कर लेना आपको सेट। सो अभी काफ़ी अजीब लग रहे होंगे आपको हेयर। सो इस वजह से आपको हेयर बैंड लगा लेना है अपने हेयर्स को पीछे करके। सब मेरे हेयर बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया, तो अब मैं इनको सेट करके दिखाऊंगा मैं कैसे सेट करता हूँ। तो इस वजह से आप अपने हेयर्स को रखोगे तो ये पफ बन जाएगा। अगर आप बैक में रखना चाहते हो हेयर्स तो आप इस वजह से साइड में रखते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर पीछे रखते हो इस वजह से तो आप हेयर बैंड की यूज़ से कर सकते हो। अगर खड़े भी रखते हो हेयर्स तो इस वजह से हेयर बैंड का यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपने हेयर सेट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर्स में वैसे ही वॉल्यूम आ गया। तो ज़रूरी नहीं मैं वैक्स लगाऊं या कुछ भी लगाऊं उसके कारण ही मेरे हेयर्स खड़े हों, इस वजह से देख सकते हो। तो मैं इनको सेट करता हूँ। तो अब थोड़ा कम स्पेस वाला आपको कॉम्ब चाहिए, आप देख सकते हो इस वजह से है। तो मैं इससे अपने हेयर सेट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो मैं इसी वजह से अपने हेयर सेट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कैसे मेरे हेयर सेट हो गए। तो मैं इसी वजह से रखता हूँ। तो अभी मैंने साइड से फेड नहीं करवा सक रखी अपनी साइड दोनों साइड, तो इस वजह से आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो मैं हेयर्स को काफ़ी लॉन्ग कर रहा हूँ तो मुझे इस साइड घेरने हैं। तो आप देख सकते हो इस वजह से मैंने अपने हेयर सेट कर लिया। तो आप भी कर सकते हो सेट हेयर बैंड की मदद से। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर्स अब आगे भी कर लूँ चाहे मैं इनको खिंडा लूँ कैसे भी। सो बिना वैक्स के मैं अपने हेयर्स को सेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो अगर मैं अपने हेयर्स को गिल्ले हेयर्स को ही ऐसे रखता तो ये बैक में नहीं जाते मेरे हेयर्स। तो इसके लिए मुझे वैक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती या कुछ भी। तो इस वजह से आप देख सकते हो तो मैंने अपने हेयर सेट कर लिए। तो शैम्पू किया हुआ आपको पता है कि आप हेयर्स काफ़ी हल्के हो जाते हैं, स्मूथ दिखने लग जाते हैं, तो उसके कारण थोड़े से लग रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये और सेट हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। सो आपको भी नेचुरली अपने हेयर सेट करने चाहिए जैसे मैंने किए हैं। तो आप अपना कोई भी वे से कर सकते हो, बट वैक्स वगैरह रोज़ यूज़ करना आपके हेयर फॉल भी हो सकता है। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी हेयर वैक्स वगैरह यूज़ मत करना, ना ही हेयर स्प्रे। अगर तुम कहीं बाहर जाते हो तब हेयर वैक्स वगैरह या हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो, बट आके तुम उसको वॉश कर लेना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो यह मेरी इंस्टा आईडी, अगर आपको कोई भी क्वारीज वगैरह हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो बी श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे ब्लेसिंग मी डूड।